ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप भी यही सवाल पूछते होंगे कि अभिमन्यु अक्षरा का रिश्ता तो समझ में आता है, अभिमन्यु और आरोही का रिश्ता भी समझ में आता है, लेकिन ये तीन जब साथ में होते हैं तब रिश्ता समझ में नहीं आता। शायद इसीलिए आरोही ने अक्षरा पर एक बार फिर इल्ज़ाम लगा दिया है। क्या इल्ज़ाम? कि अभिमन्यु और आरोही को वो मिलने नहीं देती। तुमने फिर से मेरी खुशियाँ छीन ली। अक्षरा ने ये किया, अक्षरा ने वो किया, अक्षरा ऐसी है, अक्षरा वैसी है। अब आरोही तुम कभी तो कुछ अच्छा बोलो अक्षरा की खातिर। हालांकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि अक्षरा ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे जैसी मतलबी बहनें तो आजकल हर सीरियल में होती हैं, जो केवल अपना फायदा और अपने बारे में सोचती हैं। तो तुम भी तो वही करोगी ना? मैंने कहा था ना अक्षु, मैंने कहा था ना कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रही थी फिर से मेरी खुशी अभी मैंने मुझसे छीन ना जाए। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने फिर से मेरी खुशियाँ छीन ली। अब तुम्हारी शादी अभिमन्यु के साथ नहीं हो, ये तो भगवान भी चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है वो तो भगवान का इशारा है। सबको समझ आ रहा है, केवल तुम ही को समझ नहीं आ रहा है। जब आरोही अक्षरा पर भड़क रही थी तब चाचू भी आए। चाचू ने भी आरोही को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं समझेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब आरोही ऐसा है ना कि तुम्हारे दिन भर चुके हैं, क्योंकि अभिमन्यु को पता चल गया है कि आग में से उसे तुमने नहीं बल्कि अक्षरा ने बचाया था। तो अब ये शादी होनी तो थोड़ी सी मुश्किल ही लगती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।